पंजाब हरियाणा से और यूपी से किसान दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। भारी संख्या में किसान शंभू बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर इकट्ठा हो चुके हैं। शंभू बॉर्डर पर तो सुरक्षा बलों की तरफ से आंसू गैस का इस्तेमाल करने के बाद किसानों की तरफ से भी पथराव की खबरें आ रही हैं और प्रदर्शन उग्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ किसान आंदोलन को लेकर सियासी बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो चुका है। यूपी के पूर्व मुखिया और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के जरिए सरकार पर जमकर हमला बोला। आप भी सुनिए। आज मैंने क्या कहा था? दो मिनट लगेगा मनीष जी, दो मिनट लगेगा भाई। देखिए, जो कुछ हो रहा है और जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि आंसू गैस और उससे पहले किसानों को रोकने के लिए, आंदोलन को खत्म करने के लिए कीलों से लेकर के न जाने क्या क्या दीवारें तक खड़ी की गई और प्रशासन के माध्यम से जो सरकार कर सकती थी वो सरकार कर रही है। दिल्ली की सरकार जानबूझ करके किसानों की आवाज दबाना चाहती है। ये वही सरकार के लोग हैं जिन्होंने किसान को कहा कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी, फसल की कीमत मिलेगी, MSP लागू करेंगे। कुछ वर्षों पहले हमने और आपने देखा किसान आकर के धरने पे बैठ गए, 800 से ज्यादा किसानों की आत्महत्या हुई या हत्या हो गई, जान चली गई। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसानों को MSP देने के लिए तैयार नहीं है। तो जो सरकार किसानों के नाम पर वोट लेना चाहती हो, जो सरकार स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रही हो, जो सरकार किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दे रही हो भारत रत्न, आखिरकार किसान को MSP क्यों नहीं, या MSP देना नहीं चाहती सरकार? बड़े लोगों से मिली हुई है सरकार, जो लोग मुनाफा कमाना चाहते हैं उनसे सरकार मिली हुई है और उसी का परिणाम यह है कि किसान की आवाज दबाने के लिए लगातार सरकार इसी तरह का व्यवहार कर रही है किसानों के साथ। आने वाले चुनाव में जो 2024 को होने जा रहा है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सपा मुखिया ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में कोई भी परीक्षा बिना पेपर लीक के पूरी हुई ही नहीं है। ये पेपर लीक कोई पहला नहीं हुआ है। इस सरकार में कोई भी परीक्षा होगी बिना पेपर लीक के परीक्षा पूरी नहीं हुई है। सवाल पेपर लीक का तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो संस्थाएं पेपर कराती हैं और जिन संस्थाओं पर जांच चली जाती है, जब पहला पेपर लीक हुआ होगा तो ये किसने जांच की? ये क्या वजह है सरकार पेपर लीक होने के बाद एक ही संस्था के पास ही जांच के लिए भेज देती है? वही इस दौरान अखिलेश यादव ने अबू धाबी में हो रहे मंदिर उद्घाटन में पीएम मोदी के बुलावे को लेकर किए गए सवाल पर भी जवाब दिया और साथ ही सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना भी साधा। हमारे भारत का और भारत में हर जगह भगवान के मंदिर हैं, कौन सी जगह नहीं है, और दुनिया में फैले हुए हैं। यूरोप में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, भगवान कृष्ण के न जाने कितने मंदिर आपको मिलेंगे। यूरोप में मिल जाएंगे, रशिया में मिल जाएंगे, अबू धाबी और आसपास भगवान कृष्ण के मिल जाएंगे। तो ये कोई आज से थोड़ी मंदिर बन रहे हैं, जाने कब से बन रहे हैं। और अगर आप जानकारी करेंगे, बहुत सारे लोग भारत से प्रभावित होकर के दूसरे देशों से भारत आए शांति की तलाश में, जीवन का मतलब समझे उसके लिए। बीटल्स के बारे में सुना होगा, जिस समय वो पीक पे थे अपने, उस समय भारत में ही आए और कई आश्रम में रहे और भगवान कृष्ण के शरण में भी रह गए। तो ये भारत हमारे धर्मों का देश है, लेकिन हमें विवेकानंद जी को याद रखना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हमारे देश में धर्म की कमी नहीं है, धर्म बहुत है, लेकिन रोटी कब मिलेगी और रोजगार कब मिलेंगे। धर्म का स्थान अपना है, अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है लोगों को न्याय दें, सामाजिक न्याय मिले, रोटी मिले, रोजगार मिले
और किसानों का हक और सम्मान बचा रहे। उत्तर प्रदेश में हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले कार्यक्रम करेगी, उसी का एक हिस्सा है ये। उसके बारे में बोल दीजिए दो साहब, जब मंदिर कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोगों को बुलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।